आज यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमिक का जो हमारा टेस्ट नंबर दो है, इसको टेस्ट नंबर दो को डिस्कस करेंगे क्या यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला टेस्ट ऑलरेडी मैं अभी डाल चुका हूँ जस्ट अभी 15 मिनट पहले। तो आप जो पहला पेपर है वहाँ पर इकोनॉमिक का देख सकते हैं, राइट। पहला पेपर जो इकोनॉमिक का है वहाँ पर आप ये देख सकते हैं, और जो ऑलरेडी मैं पॉलिटी का जो दो पेपर हैं पहला दूसरा डाल चुका हूँ, यहाँ पर इकोनॉमिक का पहला डाल चुका हूँ, इकोनॉमिक का सेकंड पेपर मैं डाल रहा हूँ यहाँ, राइट, देख सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को सीरियस देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है अर्थशास्त्र के परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारी अर्थशास्त्र है उसकी परिभाषा के संदर्भ में आपके यहाँ पर को विचार करना है। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, पहला स्टेटमेंट है आपका। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका, अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन वितरण विनिमय और उपयोग का अध्ययन किया जाता है। तो जिनका देखो इकोनॉमिक, जिनका इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट होगा ऑप्शनल होगा, या तो इकोनॉमिक जिनका अभी ऑप्शनल तो हट गया है, बट जिनका इकोनॉमिक्स से जो लोगों ने बीए किया हुआ है, राइट, तो इकोनॉमिक उनका भी मतलब थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक यहाँ से देख सकते हैं इकोनॉमिक में क्या क्या है। तो दोनों बातें यहाँ पे क्या सही है पता होगा तो ठीक है, वरना यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो क्या है, दोनों बातें यहाँ पर सही बताई गई हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा आपको सी होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन जो वितरण विनिमय प्रणाली वो उसका उपयोग करते हैं और इसकी मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। तो हमारा पहला यहाँ पे क्या है, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। अगला देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र संगठित है और उत्पादन के बेहतर तरीकों का उपयोग करता है, पहला स्टेटमेंट बोला है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द्वितीयक क्षेत्र असंगठित क्षेत्र है और पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करता है। द्वितीयक क्षेत्र क्या है, असंगठित है और पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला यहाँ पर, तीसरा स्टेटमेंट बोला तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के लिए उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। जो तृतीयक क्षेत्र है आपका प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों के लिए क्या है, उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। तो इनमें से बोला कौन सा स्टेटमेंट आपका सही उत्तर होगा। दोनों तीनों बातें आपको अच्छे से रीड कर लेनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या है आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका ओनली थ्री आंसर करेक्ट होगा इसका। ठीक है, ओनली सी मतलब थ्री आंसर करेक्ट होगा, तो ओनली सी आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। ये सिर्फ बात आपकी करेक्ट है, बाकी क्या है ये दोनों बातें आपकी इनकरेक्ट हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इसमें सरकार एवं निजी क्षेत्रों दोनों की आर्थिक भूमिका शामिल होती है। दूसरा क्या है, सरकार प्रगतिशील कर के माध्यम से धन के वितरण की असमानताओं को कम करती है। ठीक है, दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और तो उसके बारे में तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर दिया हुआ है, सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों पर निर्भरता होती है। ठीक है, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों पर क्या है, निर्भरता होती है। तो इनमें से क्या आपको करेक्ट आंसर बताना है, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर जो देखेंगे जो हमारा स्टेटमेंट देखते हैं इसमें जो हमारा पहला दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, पहला दूसरा जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे तीसरे क्वेश्चन की पहला दूसरे की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तीसरे में क्या है, पहला दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है इसी तीसरे क्वेश्चन का, जो तीसरा स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है ऊपर, ये आपका क्या है, गलत होगा। ठीक है, ये गलत है, तो हमारे दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पहला दूसरा आपका आएगा ए नंबर पे, तो आपका तीसरे का क्या है, ए करेक्ट होगा यहाँ पर, राइट। वो दोनों बातें आपकी सही थी, ये बात आपकी गलत है। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है आपको ये बताना है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास या आपका विकास सॉरी आय विषमता। इनमें से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है आपको पता होगा, ये आपको नीचे कमेंट में आंसर देना है। फोर्थ का आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि लॉरेंज वक्र काफ़ी न्यूज़ में रहता है और काफ़ी जो आपका इकोनॉमिक का टॉपिक है वो सीधे से आपको स्टैटिक टॉपिक में ही लॉरेंज वक्र यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आपको यहाँ नीचे बताना है। ठीक है, कैसा आंसर होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखता हूँ मैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन बोला है मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक है। दूसरा क्या है, इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया गया। तो हमारा जो मानव विकास सूचकांक के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, इसमें से सही उत्तर चुनना है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा। ठीक है, जीवन प्रत्याशा शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के संकेत में सांख्यिकीय समग्र सूचकांक होता है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत होगा यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या होगा, फिफ्थ का ए आपका करेक्ट होगा यहाँ। ठीक है, अगला देखते हैं छठवां नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन बोला लैंगिक असमानता सूचकांक। ठीक है, जो आपका लैंगिक असमानता सूचकांक है किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है आपको। तो हमारा जो लैंगिक असमानता सूचकांक है ये जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। तो हमारा छठे का आंसर क्या होगा, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सातवां देखते हैं, सातवां आपका यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयोग होने वाला शब्द गिनी गुणांक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिनी गुणांक भी
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिनी गुणांक है, इसके बारे में आपको क्या है यहाँ पर विचार करना है। गिनी सूचकांक को अक्सर कुजनेट्स वक्र के माध्यम से ग्राफिक के रूप में दर्शाया जाता है। गिनी गुणांक में वृद्धि इंगित करती है कि हमारी सरकारी नीतियों में अमीरों को उतना ही लाभ हो सकता है जितना कि गरीबों को। तो आपको इसमें पता होगा आंसर इसका करेक्ट क्या है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर आपका 2 बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये पहला स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा उसका, बी होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। जो आर्थिक विकास की धारणा है आर्थिक समृद्धि की धारणा से क्या है, अधिक है, अधिक व्यापक है। सेकंड क्या है, आर्थिक विकास सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक गुणात्मक और परिणात्मक सभी परिवर्तनों से क्या है, संबंधित है। जिसमें बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या होगा सही है, कौन सा उत्तर यहाँ पर सही है, ये पूछ रहा है ये जी। तो देख सकते हैं इसमें थर्ड स्टेटमेंट भी दिया है, किसी समयावधि की अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय को आर्थिक विकास कहते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट में देख के बताना है कि 8 नंबर का आपका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखो 8वें हमारा पहली बात मैंने जो आपको बताई थी यहाँ पर आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से व्यापक अधिक, ये भी ठीक है। आर्थिक विकास सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक गुणात्मक परिणात्मक सभी जो परिवर्तन है उससे संबंधित है, इससे दोनों बातें करेक्ट हैं। ये जो ऊपर तीसरी बात दी है, तीसरी बात वो क्या है, गलत है वहाँ पर। ये तीसरी बात यहाँ पर दी है किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय को आर्थिक विकास कहते हैं, ये आपकी गलत बात है, इसको आर्थिक विकास नहीं कहते। तो क्या है स्टेटमेंट हमारा, ए करेक्ट होगा यहाँ पर 8वें में। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर बोला है, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। भारत जो है हमारा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कब तक इसका लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, पता होगा आंसर आपको, तो करेक्ट आंसर आपका होगा इसका 2024 तक, ठीक है। 2024 जो कि ये भी नेक्स्ट ईयर आने वाला है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 2024। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अभी लेटेस्ट ये बात कही गई थी, इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्या है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट जो आपका HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन UPSC और PCS दोनों में पूछ सकता है। तो यहाँ पर भारत का रैंक कितना है, इसमें भारत का रैंक यहाँ पर दिया हुआ है 132, 132वां स्थान है भारत का। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 10वें का C, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देखना है कि जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन मैंने आपको कम से कम 7 से 8 मिनट में कराएंगे, 7 मिनट यहाँ पर लिया आपको मैंने, तो आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन कवर हो गए, राइट। जैसा कि मैंने यहाँ पे 4th क्वेश्चन आपसे पूछा है वो आपको नीचे कमेंट में बताना है, ठीक है। नहीं आता है, गलत आता है, जो भी आता है आपको थोड़ा सा बताना है, आपको माइंड थोड़ा सा अपना रिकॉल करना है कि क्या क्वेश्चन हो सकता है, लॉरेंज वगैरह क्या होता है। आपको थोड़ा सा गूगल भी करेंगे तो 2-3 बातें वहाँ से एक्स्ट्रा सीखेंगे, लॉरेंज वगैरह कैसे बनता है, क्यों बनता है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका टेस्ट मैं जल्दी लाता हूँ, और भी जो टेस्ट होगा मैं जितना टेस्ट है वो पेपर के पहले तो कोशिश करूँगा पूरा खत्म करा दूँ, ठीक है। तो बने रहिए, कोई डाउट होता है कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।